तब भारत अपना बिखरा था, तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था, तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया। इस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज मेरे साथ हैं सपना बौद्ध। और बड़ा आज की तारीख में मैं कहूं कि सोशल मीडिया पर अगर सिंगरों की बात करूं तो पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी, सात समंदर पार, अगर आज किसी बहुजन सिंगर का नाम सुर्खियों में है तो वो है सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी। हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि एक गाना बड़ा बखूबी उन्होंने गाया और गाने के बोल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने गाना सुना है, अपने चलते फिरते अपने मोबाइल में, अपने टीवी पर, अपने लैपटॉप में उस गाने को या किसी अन्य साधन से उस गाने को जरूर सुना होगा। आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता। इस गाने से उन लोगों को दिक्कत हुई जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो लोग हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो लोग हिंदू संगठनों से जुड़े हैं। जब ये गाना रिलीज हुआ और जब मुल्क भर में ये गाना गया और बजा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या उन लोगों को हुई। तो विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध, जो मेरे साथ बैठी हैं, सपना बौद्ध हैं, इनके हस्बैंड हैं विशाल गाजीपुरी, इन दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई, इनके स्टूडियो को आग लगा दी गई, इनके 2 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करने की बात की गई, तरह तरह से इनको पिछले लगभग 1-1.5 महीने से इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है कि मानो इन्होंने कोई जुल्म कर दिया। जबकि भारतीय संविधान हमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त देता है, हम अपनी बात कह सकते हैं। और इसमें बुराई भी क्या है, अगर मोदी जी ने वो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ और उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने LIC बेच दी, उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, उन्होंने ताजमहल, उन्होंने लाल किला तक गिरवी रख दिया, और अगर एक गायक अपनी बात गाने के माध्यम से कहता है तो गलत क्या है। बस इसी पूरी भूमिका जो मैंने आपको बताई है, इसी विषय पर मेरे साथ सपना बौद्ध हैं, उनके साथ किस तरीके का 1-1.5 महीना गुजरा है उनसे बात करते हैं। सपना, मेरा सबसे बड़ा सवाल, गाना बनाते वक्त क्या आपके मन मस्तिष्क में आया था कि ऐसा गाना बनाना चाहिए, डर नहीं लगा आपको? डर तो सर कोई काम करने से पहले रिस्क लेना पड़ता है। और हम लोग जब ये गाना जब ये गाना हम लोग गाने चले थे तो हमारे जो कवि जी हैं चंद्र कुमार, वो हम लोग ऐसे ही मतलब बैठे थे, सर के घर पे गए थे तो सर बोले कि एक ऐसा गाना बनना चाहिए जो हमारे देश में ऐसे गलत काम हो रहे हैं। ठीक है सर, बना दीजिए। तो सर गाना बनाए, उसके बाद हम लोग गाएँ, इसको रिकॉर्डिंग हुआ, गाएँ भी रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद 4-5 दिन के बाद हम लोगों को ये अज्ञात नंबरों से धमकी आने लगी कि ये तुम लोग क्या रिलीज कर रहे हो, तुम लोग को जान से मार देंगे, तुम लोग ज़्यादा उड़ने लगे हो, तुम लोग बहुत नीचे, बहुत जल्दी नीचे आओगे, और ये गाना डिलीट कर दो। और फिर बोले कि मोदी जी क्या बेच दिए। तो फिर बहुत सारे लोग फ़ोन कर करके मतलब तमाम तरह की धमकियाँ हम लोग को देने लगे। और मुझे बोले कि एक मेरे नंबर पर फ़ोन आया, वो व्यक्ति कह रहा है कि मनीषा को देखी हो, मनीषा का जैसा रेप हुआ है, क्या चाहते तुम्हारे भी साथ ऐसा हो। जी, वो व्यक्ति का मैं हालांकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई और उसकी बातें सुनने में लग गई। मतलब एक बड़ी बात मैं अपने तमाम दर्शकों को, बहुजन मीडिया के दर्शकों को बताऊं कि एक ये मेरे साथ जो बैठी है सपना, गाना गाने की सजा क्या हो सकती है। इस देश भर में लाखों गाने रिकॉर्ड होते हैं, लाखों गीतकार गीत लिखते हैं, एक गाना बज गया पूरे देश में जिससे बीजेपी, RSS, बजरंग दल, हिंदू संगठन और मोदी जी की चूल्हे हिल गई। गाना आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जैसा सपना बौद्ध ने अपना दर्द बयां किया, सपना जैसे आपको मतलब बताया कि हम आपको उठा करके ले जाएंगे, जिस प्रकार मनीषा के साथ रेप किया गया आपके साथ भी, डर नहीं लगा थोड़ा बहुत भी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे साथ पूरा बहुजन समाज है। बहुजन समाज तो बाद में आया, लेकिन स्टार्टिंग में जो पहले 5-4 दिन रहे, आप गाजीपुर में, मैं गया वहाँ देखा, मतलब हमारे जो सुरजीत सम्राट जी हैं वो वहाँ गए, उन्होंने लाइव दिखाया किस प्रकार से जंगल में रास्ता भी नहीं आपके घर तक जाने के लिए, फूस के घर हैं, जरा सी में कोई आग लगा के भाग जाए पीछे से, आपका स्टूडियो जला दिया, मतलब ये सारी जो घटनाएं घटी तो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में आया कि ये काम छोड़ने गाने का या कुछ इस तरीके का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज से हम लोग लगभग 5-6 साल से गाना गा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी गाने आए हैं कट्टर विरोधी आए हैं, जो हमारे पूर्वजों को सताया गया है उनके विरोध में हम लोग गाना गाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा गाना गा दिया है देश विक्रेता, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, देश विदेशों में भी बजा। और इसमें हालांकि कोई ऐसा शब्द भी हम लोग नाम ही नहीं लिए हैं, नहीं नाम तो लिए ना, लेकिन आपका मतलब आपका जो इशारा वो तो मोदी जी की तरफ ही है। मोदी जी हाँ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चाहे कोई दूसरा भी बेच सकता है, मोदी जी थोड़ी बेच रहे हैं,
चाय तो चाय तो देश में करोड़ों लोग बेच रहे हैं, लेकिन देश को, देश का जो संपत्ति है उसका जो निजीकरण हो रहा है वो तो सरकार ही कर रही है। हाँ वो तो सरकार ही कर रही है। तो कोई विशाल सर जैसे बोले थे कि अगर कोई घर का सदस्य हो, अगर कोई गलत काम करता है, जैसे अब हमारी फैमिली है, हमारे पिताजी अगर कोई गलत काम करेंगे, भले वो बड़े हैं, अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। तो इसी प्रकार हम लोग इनडायरेक्ट आवाज़ उठाए हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं किए हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये, सपना का कहने का मतलब ये कि अगर मेरे घर के बुजुर्ग भी बाप दादों की दीवी संपत्ति को बेचेंगे तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ जो है वो मुखर तरीके से उठाएं। वही काम उन्होंने गाने के माध्यम से किया, जब मोदी जी 2 करोड़ रोजगार की बात देकर के रोजगार नहीं देते हैं और तो और वो झूठ बोलते हैं और देश की संपत्ति को बेच करके वो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, तो वो ही बात उन्होंने कही। सपना, एक बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप इस प्रोफेशन में हैं, गाने के प्रोफेशन में हैं, जाते हैं दूर दूर तक, अपने प्रोग्राम देते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, तो एक आप, आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके मम्मी हैं, आपके फादर हैं, आपके सास ससुर हैं, विशाल के परिवार के लोग हैं, क्या मतलब उनकी तरफ से क्या, किस तरीके का आपको सपोर्ट रहा, या ये गाने आने के बाद में उनकी तरफ से क्या उन्होंने कहा कि इस काम छोड़ दो, कुछ कहा? माता पिता तो भाई पैदा किए तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन माता पिता हमारे सोचिए कितना उनको, उन लोगों का कलेजा मजबूत है कि ये जो गाना रिलीज हुआ, जब धमकी लगातार आने लगी, हम लोग को भी अटैक भी किया गया, स्टूडियो भी जलाया गया, मेरी जो सासू माँ है, मेरी माँ है, रोने लगी सब लोग कि आप लोग ऐसे काम करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। हम लोग समझाए कि नहीं मम्मी जी, हमारे साथ पूरा समाज है और आप डरिए मत, हम लोग बाबा साहेब के औलाद हैं और अगर हम लोग दो लोग मर भी जाएंगे तो आप टेंशन मत लीजिए। ये समझिए कि आप मतलब मेरी जो माता जी हैं, हम दोनों को बहुजन समाज के ऊपर निछावर कर दें कि आप जाइए काम करिए। मैं यहाँ अपने तमाम दर्शकों को एक साथ सपना बहुत से बातचीत के साथ साथ बताता चलूँ, मैंने पिछली बार भी जब मैं इंटरव्यू कर रहा था विशाल का, तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आरक्षण की वैसे लंबी लंबी गाड़ी, बड़ी बड़ी कोठियों में, उनके बच्चे आज 20-20, 30-30 लाख के पैकेज पर काम करते हैं और वो जाति छुपा करके रहते हैं, समाज की लड़ाई में नहीं आते, उनको सीख लेनी चाहिए सपना बौद्ध जैसे लोगों से, विशाल गाजीपुरी जैसे लोगों से, जो गांव देहात में रह करके, झुग्गी झोपड़ी में रह करके बाबा साहब की मूवमेंट का काम कर रहे हैं, और जब उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है तो उनकी वो माँ, बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग बाप कहते हैं कि अगर आप दोनों न्योछावर भी हो जाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सपना, चलते चलते मेरा सवाल है मन मस्तिष्क में, ये जो पूरा प्रकरण हुआ गाने को लेकर के, जिस प्रकार से समाज के जो समाज में शरारती तत्व हैं, उन लोगों ने आपको जान से मारने की धमकी दी, रेप करने की धमकी दी, आपके बच्चे को उठा ले जाने की धमकी दी, आपका स्टूडियो जला दिया, इसके बाद जो बहुजन समाज के लोगों को आपको समर्थन मिला, चाहे सूर्य सम्राट आपके घर पहुँचे, आज आप उनके घर पर बैठे हो, और तमाम लोगों ने आपको फाइनेंशियली, अब समाज से कोई शिकायत है या समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? ये समाज से शिकायत नहीं है सर, सारे संगठन के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हमारे बीजेपी को छोड़ के, मैं डायरेक्ट काम ले रही हूँ, बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी लोग हमारे सपोर्ट में हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुजन समाज में जितने भी हमारी पार्टियां हैं, हमारे संगठन हैं, सभी लोग हमारा खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य सम्राट जी नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपके घर पहुँचे, कैसा लगा आपको? पहली बार कोई व्यक्ति आपके घर पहुँचा, रात को 12 बजे ढूंढते, मतलब कैसा लगा उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर, और पहले संगठन के व्यक्ति हैं जो इतने बवाल होने के बाद, पहले संगठन के व्यक्ति हैं सुजीत सम्राट सर जो हमारे घर में पहुंचे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और जो हम लोग का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था वो उठ गया, दुगनी हो गई, तो बहुत ही अच्छा लगा सर, सपोर्ट भी हम लोग का कर रहे हैं। आप लोग जितने भी इस वीडियो को देश भर में देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी को फाइनेंशियली हेल्प जरूर करें। सुरजीत सम्राट ने उनका घर, उनका मकान आपको दिखाया था, किस प्रकार की स्थिति में वो लोग रहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप उनको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये मदद करें, और मदद इसलिए ना करें कि सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी करोड़पति बन जाएं, मदद इसलिए करें कि सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी को ये लगना चाहिए कि समाज उनके साथ जो है वो खड़ा है। सपना बौद्ध, चलते चलते मैं चाहता हूँ कि इस बातचीत का जो अंत है वो आपके उसी गाने के साथ में हो जाए, जो जिस गाने को लेकर के इस देश भर में विवाद हुआ, उस गाने की चंद पंक्ति अगर आप गुनगुना दें तो ये जो हमारी बातचीत है इसका हम लोग समापन की तरफ ले जाएं। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीम राव ने बुलंद किया।